वो तो कोई मैं अकेले का निर्णय न हो, जिसको एक अकेला का क्यों सोचे, जिसी को किसी भी पार्टी में जाना, तो जो वर्किंग कमेटी है सब पार्टी की राय दी जाएगी, देखेंगे ना आगे आगे क्यों, लेट्स वेट एंड वॉच, जल्दबाजी क्यों करनी है। यू विल गेट सम एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन। अरे ये जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ, उनके लिए मैं कैसे बोल सकती हूँ, उनका स्पोक्स पर्सन है, उनको पूछ लीजिए। हम लोग को कोई नहीं ले, हमको उनका अलायंस का प्रॉब्लम है, वो उनके घर दूसरे के घर पे क्यों हम जाके भैया, हमारी प्रधानमंत्री जी और उन सारे मंत्रियों को हमारी एनसीपी की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके शपथ में। एक लोकतंत्र में सबको दिल खोल के बोलने का अधिकार। अभी वो उनकी इच्छा जो भी मर्जी करे, बस पूना को मंत्री पद दिया है, मैं आभारी हूँ पूना को दिया है, लेकिन उसके बाद पूना का जो क्राइम बढ़ा है, जिस तरह से पोर्च का केस हुआ, ड्रग्स बढ़े जा रहे, भैया उसके लिए कुछ पहले का लेट्स वेट एंड वॉच, जल्दबाजी क्यों करे भैया, शुभकामनाएं सबको। तुम्ही बोलायचं आहे मला काही रेझोल्यूशन बद्दल काय माहिती द्यायची ते आम्ही जातो, मी इथे बसतो। हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन में हम पे अन्याय हुआ, इसीलिए हम कोर्ट में जा रहे गए हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है और हम पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे, सत्यमेव जयते, और हमारी अपेक्षा है और हमारी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दे। और जो पूना का प्रॉब्लम है, ये पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मिसमैनेजमेंट है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद 2.5 साल हुए इलेक्शन नहीं हुआ है राज्य में, ना कॉरपोरेशन का, ना जिला परिषद का, ना नगर पालिका, तो ये इनएफिशिएंसी पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, उनका फेलियर है। पुण्यामध्ये आपण बघताय, मग ड्रग्ज असू दे, ड्रिंक अँड ड्राईव्ह असू दे, किंवा लोकांची सुरक्षितता असू दे, पुण्याचा पूर्णपणे, मला विचाराल तर ज्या पुण्याचं एक शिक्षणाचा माहेर आपण बघतोय। खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुन्हा एकदा पुण्यात मुसळधार पाऊस पडला होता त्याच्यावर तोफ डागलेली, आपण पुन्हा एकदा आपण राष्ट्रपती भवनातल्या कार्यक्रमाकडे वळूया।